तो IRCTC घोटाला और आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली से लेकर पटना तक ईडी की टीम ने लालू यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी के बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 11 ट्वीट किए। रोहिणी ने लिखा कि लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं, लड़ना जानता है। छापे पर छापा, भाजपा ने खोया जो आपा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट में आगे लिखा, लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं, लड़ना जानते हैं। भाजपा सरकार का हिटलर शाही फरमान है, ईमान बेचने का पैगाम है मगर झुकने को तैयार नहीं। बिहारी माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है, बस इनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से लालू परिवार को झुकाना, चाहे नीचता की कितनी भी हदें पार करनी पड़े, ये लोग करेंगे और करते ही रहेंगे। तेरे हर नापाक इरादे को अपने बुलंद हौसले से धूल में मिलाना जानते हैं हम लालूवादी। रोहिणी आचार्य ट्वीट के माध्यम से आक्रामक, आगे ट्वीट में लिखती हैं, हम अन्याय, यह अन्याय हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। बहन के छोटे छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया है, गर्भवती भाभी ने क्या गुनाह किया है, क्यों सबको टॉर्चर किया जा रहा है। आज सुबह से सबको टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना ही है कि न कि फासिस्ट और दंगाइयों के आगे कभी झुके नहीं। झुका लालू राबड़ी परिवार, तुम लोगों के इस अन्याय का जवाब वक्त आने पर मिलेगा, अब यह सब बर्दाश्त से बाहर है। तुम लोग और कितना गिरोगे, समय बलवान होता है। 15 साल पुराना बंद केस को खोलकर दंगाई, बेटी जलाओ पार्टी, भगोड़े तड़ी पार लोग, क्या साबित करना चाहते हो। कुछ तो शर्म करो, घर में एक गर्भवती बहू है, बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें टॉर्चर करने का पाप तो तुम लोगों को लगेगा ही। कंस ने भी गर्भवती माता का अपमान किया था, फिर क्या हुआ कंस का, याद तो होगा ही। तुम लोगों को का भी वक्त नजदीक है।